तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आपका मोबाइल पे यूट्यूब सही तरीके से नहीं चल रहा है, या तो फिर यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है, या तो फिर 404 एरर दिखा रहा है, या तो फिर और भी कुछ टाइप का अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपका मोबाइल पे यूट्यूब के साथ, यानी कि जैसे आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, कांट ओपन शो हो रहा है या नॉट सपोर्टेड शो हो रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, मैं चार पांच यहाँ पे स्टेप बताऊंगा, सेटिंग बताऊंगा, आपको जस्ट फॉलो करना है एंड 100% आपका मोबाइल से यूट्यूब काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं एंड मेक श्योर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना भूले एंड वीडियो को जरूर लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना भूले। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। यहाँ पे जो पावर बटन आता है, इसको जस्ट प्रेस करके आपको रिस्टार्ट या तो फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपका काम करना शुरू कर दिया तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है एंड यहाँ पे जाके यूट्यूब सर्च कर लेना है। जैसे यूट्यूब सर्च करोगे, यहाँ पे आपको अगर अपडेट वर्सन शो कर रहा है, जस्ट आपको अपडेट पे क्लिक करके आपको यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप देखोगे आपका यूट्यूब का जितना भी प्रॉब्लम था सब कुछ सॉल्व हो गया। अगर आपका फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो जस्ट आपको एक काम करना है कि यहाँ पे YouTube का जो ऑप्शन है आपका मोबाइल पे, जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड ऐप इन्फो में जाना है। अगर आपका ये सेटिंग नहीं मिल रहा है तो सिंपली सेटिंग पे जाके ऐप मैनेजर सेटिंग मिलेगा, उसके अंदर आपको YouTube ढूंढ लेना है एंड आपको यहाँ पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको एक काम करना है, जो स्टोरेज एंड क्लियर कैश डाटा है इसको बिल्कुल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज डाटा एंड क्लियर डाटा बिल्कुल 00 कर देना है। बट ये सेटिंग करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जितना भी डाउनलोडेड था यूट्यूब का जितना भी वीडियो जो ऑफलाइन पे देखने के लिए डाउनलोड करके रखे थे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड ये सेटिंग करने के बाद आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको अगेन सेटिंग पे जाना है एंड सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे मेरा इन्फिनिक्स मोबाइल है, फ़ोन का जो लेटेस्ट वर्सन है अपडेट अगर शो कर रहा है तो आपको जस्ट अपडेट कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। अपडेट करने के बाद आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, यानी कि रिस्टार्ट कर लेना है एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड ये जो मैं चार पांच सेटिंग बताया, अगर आपका फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू है। ये इशू जो है आपको सॉल्व करने के लिए अगेन सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन मिलेगा एंड सर्च में आपको सर्च करना है रिसेट। एंड जैसे आप यहाँ पे रिसेट सर्च करोगे तो आपको रिसेट ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको एक रिसेट ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे चार पांच सेटिंग मिलेगा। आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ जो सेटिंग आ रहा है इसके ऊपर ही जाना है। नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सिम सिलेक्ट करना है, जो भी आप सिम यूज कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं जियो से नेट चलाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना है, रिसेट सेटिंग इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड लास्ट में मैंने जो बताया कि नेटवर्क रिसेट सेटिंग का, ये सेटिंग करने के बाद 100% आपका मोबाइल पे यूट्यूब चलना शुरू कर देगा। ये जो सेटिंग बताया, आप यूट्यूब छोड़कर कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो फिर भी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो एंड आपका बहुत ही आसानी से मोबाइल पे उस ऐप को चला सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूले, वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।